हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अंजलि। आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन लाइव। आज को इस रिपोर्ट में बात करने वाले हैं आलिया भट्ट के बारे में। आलिया भट्ट के करीबी का कहा जा रहा है कि करीबी को लेकर काफी बुरी खबर सामने आ रही है। दरअसल आप सभी जानते हैं हम किस करीबी की बात कर रहे हैं। आलिया भट्ट के अलावा यहाँ पर उनकी फैमिली और रणबीर की फैमिली के अलावा अगर कोई उनसे सबसे ज्यादा करीब है तो वो है उनके दूसरे पिता करण जौहर। जी हाँ, करण जौहर यहाँ पर आलिया भट्ट को अपनी बेटी माना करते हैं, तो वहीं रणबीर कपूर को वो अपना दामाद बोला करते हैं। तो इसी के चलते करण जौहर को लेकर बुरी खबर सामने निकल कर आ रही है। दरअसल दावा किया जा रहा है कि करण जौहर का शो कॉफी विद करण हमेशा हमेशा के लिए बंद होने जा रहा है, जिस वजह से करण काफी सैड भी नजर आए। तो वहीं पर आलिया भट्ट ने भी इस बात को शेयर किया और काफी ज्यादा र्यूमर्स इस तरीके के फैलते नजर आ रहे हैं कि शायद अब करण जौहर का शो हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। फिलहाल करण जौहर की तरफ से कोई ऑफिशियल जो अनाउंसमेंट है वो सामने निकल कर नहीं आए, लेकिन हमने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि यहाँ पर आलिया भट्ट के वो काफी ज्यादा करीबी है और कहीं ना कहीं कॉफी विद करण जो की काफी ट्रेंडिंग शो था, काफी सेलिब्रिटीज उसमें आके रुखसत करते थे, अपनी कई ऐसी चीजों को शेयर करते थे जिसकी वजह से उनका शो काफी हिट होता था। और उसके बाद यहाँ पर कई इंटरव्यूज वो लेते हुए नजर आए, ऐसे निजी जीवन के बारे में उनको वो बातें एक्टर और एक्ट्रेसेस को लेकर पता चलती थी जो काफी अच्छी लगती थी सुनने में। तो वहीं पर अब ये अगर शो बंद हो जाता है तो कहीं ना कहीं करण की जो टीआरपी है कॉफी विद करण की कहीं ना कहीं गिरती चली जाएगी और कहीं ना कहीं उनके सिर्फ पुराने इंटरव्यूज ही दिखाने के लिए रह जाएंगे। इसी तरह बात करते चले, यहाँ पर आलिया भट्ट को उन्होंने चांस दिया था स्टूडेंट ऑफ द ईयर में और यहाँ पर धर्मा प्रोडक्शन के जरिए ही आलिया भट्ट ने बॉलीवुड इंडस्ट्री में कदम रखा। उसके बाद से ही करण जौहर आलिया भट्ट को अपनी बेटी मांगने लगे और आलिया भट्ट उन्हें अपना पिता, जिसके चलते आज जब रणबीर कपूर के साथ वो शादी के बंधन में बन चुकी हैं, तो करण जौहर ने हाल फिलहाल में रणबीर कपूर को अपना दामाद कोट कर फोटो शेयर करी थी। वहीं पर करण जौहर भी रणबीर और आलिया की शादी में शुमार हुए थे और एक पर्सनल फैमिली गेस्ट की तरह वो वहां पर थे, उनके हर फंक्शन में वहां पर थे क्योंकि वो उन्हें अपना बेटी मानते हैं। और यहाँ पर आलिया और करण जौहर का जो बॉन्ड है आपस में काफी गहरा है। हाल फिलहाल में एक खबर भी आई थी कि आलिया भट्ट करण जौहर के व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बनना चाहती हैं। करण जौहर के व्हाट्सएप ग्रुप के हिस्सा बनने को लेकर भी काफी ज्यादा ट्रोल होती हुई नजर आई थी आलिया भट्ट, क्योंकि करण जौहर को लेकर काफी ज्यादा यूजर्स हैं जो उनकी ट्रोलिंग करते नजर आते हैं। और अब यहाँ पर आलिया भट्ट ने जब ये मांग रखी तो उसको लेकर भी आलिया भट्ट को काफी ट्रोल किया गया, क्योंकि जिस तरीके से ड्रग केस सामने आया था जब सुशांत सिंह राजपूत के केस सामने आए थे, उस वक्त भी जो है करण जौहर को काफी ट्रोल किया गया था, निशाने में साधा गया था, क्योंकि जिस भी ग्रुप में वो ऐड थे, जो भी सेलिब्रिटीज वहां पर ऐड थे, वहां पर ड्रग्स को लेकर काफी ज्यादा बात की गई थी, जिसको लेकर काफी वाद विवाद जो है बढ़ता चला गया था, जिसको लेकर ये खबरें सुर्खियों में आई थी। तो आपको रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले।